नमस्कार मेरा नाम है रवि आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में एस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एन लॉन्च करने जा रहा है जो कि एस बी आई मल्टी कैप फंड ये एन 14 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगा इस वीडियो में हम इस एन की सारी डिटेल्स लेंगे ही और साथ में इस फंड में किस तरीके से एसेट एलोकेशन रहने वाला है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे सेबी के नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25 परसेंट लार्ज कैप में 25 परसेंट मिड कैप में और 25 परसेंट स्मॉल कैप में एसेट एलोकेशन करना पड़ता है और बाकी रहा 25 परसेंट डेट या फिर इक्विटी में डायनेमिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब मल्टी कैम फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम समझते हैं इसमें किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं इसमें कैटेगरीज को मिक्स किया जाता है इसमें स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप में से अच्छे अच्छे बिजनेस को शामिल किया जाता है ये फंड डायनेमिक और फ्लेक्सिबल रहता है इस फंड में लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है इस फंड के की फोकस क्या क्या रहेंगे वो हम समझते हैं इस फंड में मैनेजमेंट क्वालिटी फाइनेंशियल एनालिसिस बिजनेस एनालिसिस इंडस्ट्री एनालिसिस रेगुलेटरी एनवायरमेंट फीडबैक और क्रेडिटर्स के सारे फीडबैक्स को लेकर फंड को बनाया जाएगा जैसे कि ये एक मल्टी कैप फंड है इसमें अगर हम रिस्क वर्सेस रिटर्न पोटेंशियल देखें तो इस फंड में लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है जबकि स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिलने की संभावना रहती है क्योंकि इसमें लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का अराउंड ट्वेंटी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 14 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 28 फरवरी को क्लोज़ हो जाएगा इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 हंड्रेड मल्टी कैप फिफ्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1 परसेंट ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा इस फंड में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप एस आई पी लमसम एस डब्ल्यू पी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मिनिमम फाइव थाउजेंड रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जबकि एस आई पी की बात करें तो फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ की एस आई पी से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो अगर इस फंड का एसेट ऑलोकेशन देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट से लेके मैक्सिमम फिफ्टी परसेंट तक का एसेट ऑलोकेशन रहेगा जबकि मिड कैप में मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट से लेके फिफ्टी परसेंट तक का स्मॉल कैप में मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट से लेके मैक्सिमम फिफ्टी परसेंट तक का एसेट ओकेशन इस फंड में देखने को मिल सकता है जबकि डेट पोर्सन मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट और रिट्स इनविट्स में मैक्सिमम टेन परसेंट का एसेट ऑलोकेशन इस फंड में देखने को मिल सकता है इस फंड के दो फंड मैनेजर्स हैं पहले हैं आर श्रीनिवासन जिनको 28 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे प्रिंसिपल पी एन बी इंपीरियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स सुनिधि कंसल्टेंसी कैपिटल मार्केट पब्लिशर्स और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के साथ में काम कर चुके हैं और अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना एम कॉम -com किया हुआ है और साथ में एम भी कम्प्लीट किया हुआ है एम एम का मतलब है मास्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दूसरे फंड मैनेजर हैं मोहित जैन जिनको आठ साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एस बी म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे क्रिसिल के साथ में एज ए रिसर्च एनालिसिस्ट काम कर चुके हैं अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की हुए सत्या भामा यूनिवर्सिटी से और साथ में सी एफ ए होल्डर भी है लेवल थ्री सी एफ ए इंस्टीट्यूट यूएसए से अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हो ये एक मल्टी कैप फंड होने के कारण कोई भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई कर पाओगे इस फंड के सारे फ़ंड मैनेजर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू